सो हे गाइस, वेलकम टू स्टूडियो लर्न इंडिया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज स्टूडियो लर्न इंडिया की तरफ से नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है AE फोटो कटिंग। इस सॉफ्टवेयर से कटिंग, एल्बम डिजाइन, रिटचिंग, ये तीनों काम आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। आज के डेट पे फोटोग्राफर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है एल्बम डिजाइन। खास उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और सबसे बड़ी बात, एक एल्बम डिजाइन में जितना इन्वेस्ट होता है उससे भी आधा से भी आधा पैसा इन्वेस्ट करके आप इस सॉफ्टवेयर को लाइफ टाइम परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका लाइफ टाइम सपोर्ट विद अपडेट भी फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग सॉफ्टवेयर देखेंगे। उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, ऑनलाइन स्कैम बहुत हो रहे हैं तो स्कैमर से बच के रहिए। हमारे सिर्फ दो ही नंबर है जो स्क्रीन पे अभी हाइलाइट्स हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस नंबर को छोड़ के अगर स्टूडियो लर्न इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखा के कोई सेल करने की कोशिश कर रहा है तो आप उनसे बच के रहिए, क्योंकि हम लोगों का कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। सिर्फ कंपनी से परचेस करने पे ही आपको सपोर्ट विद सर्विस मिलेगा, खास इस चीज़ को ध्यान में रखिए। चलिए आज का सॉफ्टवेयर का फुल डेमो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग अभी डिस्प्ले स्क्रीन पे आ गए हैं, अभी हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये है, ये आइकॉन आप देख सकते हैं, AE फोटो कटिंग, ये है हमारा सॉफ्टवेयर। इसके साथ फुल ट्रेनिंग वीडियो विद इंस्टॉलेशन वीडियो आपको मिल जाएगा और परचेस कैसे करना है इसी वीडियो के लास्ट में बताना चाहूँगा। उससे पहले सॉफ्टवेयर का हम लोग डेमो देख लेते हैं। यहाँ से हम लोग सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। ये अभी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। इस बीच हम लोग बात कर लेते हैं इस सॉफ्टवेयर का मेन चीज़, ये CC 2019 से लेकर 2022 तक सपोर्ट है। 2023 का नया वर्जन लॉन्च होने पे हम लोग इसको उस पर भी अपडेट करवा देंगे, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अपडेट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये अभी सॉफ्टवेयर आपकी पूरी PC इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, आपका फोटोशॉप वगैरह सब कुछ सही सलामत है या नहीं, कुछ टाइम वेट करना पड़ता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को फोटोशॉप ओपन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप कोई भी फोटोशॉप पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पे 2021 यूज करूँगा, इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे हम क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोशॉप स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से हम लोग अपना फोटोशॉप को, मतलब हमारे जो AE फोटो कटिंग उसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट क्लिक करते हैं और AE फोटो कटिंग जो स्टार्ट हो चुका है। इस पे हम लोग मोस्ट डिमांडिंग चीज़ जो होता है फोटो कटिंग उसके बारे में पहले देखेंगे, उसके बाद में कलर करेक्शन, रिटचिंग का नहीं है इसमें, लेकिन रिटचिंग का बाद में अपडेट हो जाएगा। अभी एल्बम डिज़ाइन, फोटो कटिंग और कलर करेक्शन का अपडेट्स इसमें दिया हुआ है। ओनली 399 देकर आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, लिंक के थ्रू जाइए और पेमेंट करके डाउनलोड कर लीजिए। अदरवाइज वीडियो के लास्ट पे भी मैं बताऊंगा कैसे आप इस फाइल को परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। यहाँ से हम लोग पहले एक फोटो ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस पहले से रखे थे, यहाँ पे डेमो में जाएंगे और यहाँ से मैं पहले एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। एक आउटडोर, मेन तो आउटडोर फोटो को लेके बहुत क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं एक आउटडोर फोटो पहले ओपन करूँगा। एक हमारा आउटडोर फोटो ओपन हो चुका है। यहाँ से आप लोग कटिंग का ऑप्शन पहले देखेंगे। यहाँ पे ऑटो फोटो कटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट क्लिक कीजिए और सिंगल क्लिक पे आपकी इमेज जो है कटिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कटिंग कंप्लीट हो जाता है, आप लोगों को मेन प्रॉब्लम रहता है, सर बहुत सी जगह को मुझे इरेज करना है या रिटर्न लाना होता है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन दे के रखे हैं। देखिए यहाँ पे 8%, मतलब आपको कहीं पे रिटर्न लाना होगा तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और ब्रश आ गया, इधर से आप रिटर्न ला सकते हैं। अदरवाइज आपको इरेज करवाना होगा, कहीं कोई भी पोर्शन इरेज करना होगा तो यहाँ पे देखिए रिमूव पर्सन, यहाँ पे क्लिक कीजिए और अभी आपका ब्रश आ जाएगा और आप इसको छोटा करके कहीं पे भी आपको कोई भी एरिया रिमूव करना होगा तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। मतलब कटिंग के टाइम पे ये एक बहुत प्रॉब्लम्स थी, लोगों को पता नहीं चल रहा था कैसे रिटर्न लाना है, कैसे आप इरेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस फीचर्स को अपडेट किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है, आप देख सकते हैं। अभी ये कटिंग कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसको सेव करना है तो डायरेक्टली यहाँ पे सेव PNG में क्लिक करके आप इसको अपने ड्राइव पे कहीं पे भी सेव करके रख सकते हैं PNG फॉर्मेट पे और अपना एल्बम डिजाइन के टाइम पे काम पे लगा सकते हैं। ये है कटिंग के फीचर्स। अभी चलेंगे हम लोग एल्बम डिजाइन की ओर। और एल्बम डिजाइन को दिखाने से पहले और दो तीन फोटो के ऊपर मैं दिखा देता हूँ, बहुत से लोगों को डाउट्स रहते हैं सर सब फोटो में काम करेगा इंडोर आउटडोर में। यहाँ पे और एक आउटडोर फोटो लेता हूँ और जस्ट ऑटो फोटो कटिंग में क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं जस्ट सिंगल क्लिक पे आपकी इमेज जो है कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे करके आप सिंगल क्लिक पे आपकी इमेजेस को कटिंग कर सकते हैं, इसको सेव रख के अपने एल्बम डिजाइन में भी काम पे लगा सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग 300+ इनर शीट्स दे रहे हैं जो आपको एल्बम डिजाइन में काम पे आएगा। अदरवाइज अगर आपके पास कोई भी एल्बम PSD है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ओपन टेम्पलेट में क्लिक करेंगे और मैंने अपने तरफ से कुछ PSD पहले से आप लोग के देखे रखे हैं, अदरवाइज आपका भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक टेम्पलेट ले लूँगा, ये वाला टेम्पलेट मैं ले लेता हूँ। टेम्पलेट हमारा ओपन हो रहा है।
इस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप अपना एल्बम डिजाइन को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। जो एकदम बिगिनर लेवल के लोग हैं वो भी इस सॉफ्टवेयर को यूज करके अपना एल्बम डिजाइन कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जस्ट जैसे टेम्पलेट ओपन होता है यहाँ से आपको फ्रेम सिलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ से फ्रेम सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमने फ्रेम सिलेक्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जैसे वेडिंग फोटो फिल का ऑप्शन दिया है, जैसे आप वेडिंग फोटो फिल में क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर आपको फोटो सिलेक्ट करने के लिए बोलता है। मैंने डेस्कटॉप पे अपने कुछ इमेजेस रखे हैं, आप अपना इमेजेस भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ से डेमो इमेजेस में जाता हूँ और यहाँ से कुछ फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके में क्लिक करता हूँ। जैसे आप ओके में क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपना डिजाइनिंग स्टार्ट कर देगा। और मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं दिखा रहा हूँ, अब देख सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर आपका एल्बम डिजाइन कंप्लीट। अभी आपको अपने तरफ से थोड़ा सा एडिट कर लेना है, अगर आपको कुछ भी चेंज करना है अपने हिसाब से आपको कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए दो फोटो को आपको ये फोटो का इधर लाना हो चाहिए, तो यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे इमेज फ्लिप है, जैसे क्लिक करेंगे फोटो आपका रोटेट हो जाएगा, देख सकते हैं। समझ लीजिए ये फोटो आपको इधर नहीं इधर चाहिए था, तो दो फोटो को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे फोटो स्वाइप का ऑप्शन दिया है, क्लिक कीजिए और आपका फोटो जो है स्वाइप हो जाएगा। इस बीच और एक चीज़ मैं दोबारा बताना चाहूँगा, इस सॉफ्टवेयर का कॉस्ट इतना कम है, एक एल्बम डिजाइन फुल एल्बम डिजाइन करने में आपको जितना पैसा एक डिजाइनर को देना होता है उससे भी कम प्राइस में आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हैं, ओनली 399। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, लिंक के थ्रू जाइए और सॉफ्टवेयर को परचेस कर लीजिए। तो देखिए कितना आसानी से आपने एक पेज इसको डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। अभी सेव टेम्पलेट में क्लिक करके आप अपने जगह पे इसको सेव कर सकते हैं, PSD और JPG दोनों फॉर्मेट पे। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एल्बम 1 लिख देता हूँ और सेव पे क्लिक करता हूँ। जस्ट हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे और आपकी जो टेम्पलेट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। चलिए सेव कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली वो फोल्डर ओपन करके दिखाता है वो कहाँ पे सेव हुआ है। देखिए एक हमने JPG में सेव किया है और क्वालिटी की अगर बात करें, मैं जूम करके दिखाता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, इसमें कोई साइज मेंशन नहीं है, आप जिस टेम्पलेट जिस साइज का भी टेम्पलेट यूज करेंगे उसी साइज में आप एल्बम डिजाइन कर पाएंगे, मतलब हर एक साइज के टेम्पलेट में ये एल्बम डिजाइन कर सकता है आपके लिए। चलिए एक पेज हमने डिजाइन कर लिया, अभी दोबारा हम लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे। अभी जो मेन चीज़ मैं बता रहा था कलर एडजस्ट के लिए, अगर आपको इस इमेज को थोड़ा सा लाइट बढ़ाना है यहाँ से आप लाइट बढ़ा सकते हैं, अगर सोच लिए इस इमेज का लाइट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है यहाँ से आप लाइट को कम कर सकते हैं। कलर करेक्शन का भी हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट कर दिया है। तो यहाँ से हो गया हमारा एल्बम डिजाइन कंप्लीट। अभी इसका एक मेन फीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि फोटो कटिंग का इसमें एक बहुत अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। अगर समझ लीजिए ये फोटो आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, ये टेम्पलेट में ये फोटो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसके जगह पे एक आपको कटिंग फोटो डालना है और इस पेज को DM में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो उस टाइप पे आपको यहाँ पे एक प्लेस कट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लेस कट पे क्लिक कीजिए और आपको जो फोटो इसमें लगाना है, जैसे कि मैं समझ लीजिए ये फोटो आप मुझे लगाना है, बस इस फोटो को हम लोग ओपन करेंगे अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे और जस्ट एंटर में क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर का कमाल देख सकते हैं, जस्ट जैसे ही आप फोटो को एंटर करेंगे और रिसर्च करेंगे फोटो आपका ऑटोमेटिकली कटिंग होकर अपने पेज में सेट हो जाएगा। ऐसे करके आप बहुत इजी तरीके से अपने एल्बम डिजाइन को एक इंटरेस्टिंग लुक दे सकते हैं, अपने हिसाब से एल्बम डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइनर के ऊपर आपको डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 399 इन्वेस्ट कीजिए, लाइफ टाइम अपडेट विद सपोर्ट भी आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एक पेज बना लिया है, अभी हम लोगों का और एक पेज डिजाइन करेंगे। यहाँ से मैं ओपन PSD टेम्पलेट में क्लिक करता हूँ और मैंने डेस्कटॉप पे अपना कुछ टेम्पलेट रखे हुए थे उसी को ओपन करके आपको डिजाइन करें। जैसे कि मार्केट PSD की मैं बात कर रहा था, हम तो ये PSD आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर मार्केट PSD जैसे आपके पास पहले से PSD है उसमें कैसे काम करता है वो दिखाने के लिए ये टेम्पलेट हमारा ओपन हो रहा है। यहाँ से हम लोग कोई भी एक टेम्पलेट ले लेंगे, ये एक वाला टेम्पलेट मैं ओपन कर लेता हूँ, टेम्पलेट हमारा ओपन हो रहा है। बहुत इजी एंड फास्ट तरीके से सॉफ्टवेयर काम करता है दोस्तों, आपको मैं दावा के साथ बता सकता हूँ। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं, अगर आपको फोटोशॉप का थोड़ा सा ही नॉलेज है और कुछ नहीं आता तो भी आप इजीली आपके वेडिंग एल्बम डिजाइन कर पाएंगे। चलिए एक टेम्पलेट आपका ओपन करवा लिया, ये मार्केट PSD के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग फ्रेम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्रेम सिलेक्ट कर लिया, वेडिंग फोटो फिल्म में जाएंगे और जस्ट अपना जो फोटो है उसको सिलेक्ट करना होता है। मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ अपने डेमो इमेजेस में और यहाँ से मैं अपने हिसाब से कुछ फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट फोटो को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ओके में क्लिक कर लिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, एकदम लाइव वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ सेकंड के अंदर आपकी फुल पेज डिजाइन कंप्लीट। अपने हिसाब से आप एडिट कर लीजिए और एल्बम जो है एक पेज आपका बनके तैयार।
ऐसे करके बहुत फास्ट एंड इजी तरीके से आप अपना एल्बम को डिजाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्वाइप कर लेता हूँ इमेज को, जस्ट इमेज हमारा स्वाइप हो जाएगा, देखिए जस्ट सिंगल क्लिक में हर एक चीज आपको सिंगल क्लिक में मिल जाएगा। जस्ट अपने आपको एक थोड़ा सा डेमो वीडियो आपको गौर से देखना है। अगर आपको डिजाइनिंग के टाइम पे या सॉफ्टवेयर यूज करने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी डाउट्स आता है तो डायरेक्टली हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारे टीम जो है सर्विस टाइम रहता है हमारा 10 बजे से 2 बजे तक और 4 से 10 बजे तक, इस टाइम के अंदर कभी भी कॉल कीजिए, हमारा सर्विस टीम जो है आपको एनीडेस्क और टीम वेयर के थ्रू सर्विस दे देंगे। तो ये था सॉफ्टवेयर का छोटा सा इंट्रो। सॉफ्टवेयर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही साथ वीडियो भी कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना होगा तो इसके लिए मैं वो प्रोसेस भी बता देता हूँ। जैसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू आप जाएंगे, वैसे एक वेबसाइट ओपन होगा, ये जो आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ओपन किया हूँ, ऐसा एक पेज ओपन होके आएगा और मैं यहाँ से सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज कर, जैसे ही आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में परचेस लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू सॉफ्टवेयर को परचेस करने के लिए जाएंगे, ऐसा एक वेबसाइट ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल कीजिए, इसका बाय नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, बस बाय नाउ पे क्लिक कीजिए तो एक नया पेज ओपन होके आता है जहाँ पे आपको परचेस करने का ऑप्शन आता है। उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे पेज ओपन हो रहा है देखिए ये आ गया, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, प्राइस दिखा रहे हैं, पे नाउ पे क्लिक कीजिए, अपना नेम डाल दीजिए, मैं यहाँ पे अपना नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको राइट डालना है, ईमेल आईडी गलत मत डालिए क्योंकि इसी में आपका डाउनलोड लिंक सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया मैंने, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए वो भी सही से डालना है, बस नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एक परचेस का ऑप्शन आता है यहाँ पे, 460 रुपीज़ के आसपास ये GST और कन्वर्सेशन फी लेता है, ये गवर्नमेंट चार्जेस है बस। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिल जाता है, इसके थ्रू आप फोनपे गूगल पे में स्कैन कीजिए और डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए, फाइल जो है आपका मेल पे डायरेक्टली सेंड किया जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन वीडियो दिया रहेगा, अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्टली हमारे सपोर्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए, हमारे टीम जो है एनीडेस्क और टीम वेयर के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करके देंगे। तो ये था पूरी इन्फॉर्मेशन कैसे आप सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हैं, कैसे आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसा लगा फिर से एक बार मैं बताऊंगा, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।